आता आपल्याला बातचीत करायची ती तृणमूल काँग्रेसचे समर्थक तौसीफ खान यांच्याशी आणि ती देखील या गेस्ट सेंटरला मी स्वागत करतोय तौसीफ खान यांचं। तौसीफ जी, क्या आप काँग्रेस की लीडरशिप को एक मजबूत विपक्ष की तरह देखते हो? देखिए, कांग्रेस का भी एक रोल है। हम कांग्रेस को, क्योंकि वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और कई जगह पे उनका प्रेजेंस है, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, बीजेपी मोदी के अंदर में जो हराने की बात है, उसमें कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही है। आप हाल में ही देख लीजिए महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, इससे पहले भी जो रिजल्ट आए हैं, जो कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ती है उसके बनिस्बत बहुत कम सीट जीत करके आती है। तो कांग्रेस को हम बिल्कुल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, लेकिन जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात आती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तृणमूल के अगर एग्जांपल देता हूँ, तो बंगाल में सीट शेयरिंग का मुद्दा था, तो एक साल पहले से ही, 2024 के एक साल पहले से ही ममता बनर्जी की तरफ से ये बात उठी थी कि कांग्रेस सीट शेयरिंग पे एक अग्रीमेंट कर ले, लेकिन उनमें जो है काफ़ी देर किया और अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है कांग्रेस के पास में, सीट में चुनाव जीतने में, बीजेपी को हराने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। आप कह रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए उतनी सक्षम नहीं है जितना उनको होना चाहिए, लेकिन क्या आपका राहुल गांधी के लीडरशिप क्वालिटी पे, नेतृत्व के उनके गुणों पे आपका भरोसा नहीं है? देखिए, राहुल गांधी जी को अभी अगर हम तुलना करें दूसरे जो लीडर हैं रीजनल पार्टीज के या अलायंस पार्टनर में, तो उनकी तुलना में उनकी जो है एक्सपीरियंस कमी है। और ममता बनर्जी के सामने अगर हम कहें तो हाँ, वो बहुत ही, उनकी जो है अभी उन्हें सीखने की ज़रूरत है और ममता बनर्जी की काफ़ी एडवाइस को वो फॉलो भी करते हैं। तो देखिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो वक्त के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। तफसीर जी, इंडिया अलायंस की जो लीडरशिप की कमान है वो ममता बनर्जी के हाथों में सौंपी हुई जाए, ऐसी मांग बहुत सारे नेताओं ने की है इंडिया अलायंस के, इस पर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया अलायंस को, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी ये मांग हुई थी, लेकिन किसी वजह से इस पे जो है कोई सहमति नहीं हुई। और अभी, क्योंकि हमेशा से ये डिमांड हुआ, जैसे ही अभी उपचुनाव बंगाल में हुए जिसमें 6-0 रिजल्ट आया, जो एक सीट जो बीजेपी के हाथ में था 6 में से, उसे भी ममता बनर्जी के तृणमूल ने ले लिया, उसके भी बाई इलेक्शन जो एमएलए असेंबली सेक्शन में हुए उसे भी तृणमूल ने जीत लिया 6-0 में। तो और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात थी, तो वो चुनाव में बहुत ही जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ही कम आए हैं सीट कांग्रेस को। तो इन परिपेक्ष में ज़रूरत है कि ममता बनर्जी को कमान दी जाए। ममता बनर्जी एक बहुत ही अनुभवी लीडर है, वो जो है यूनियन में, मिनिस्ट्री में रह चुकी हैं, 5 दफ़ा वो एमपी रह चुकी हैं, 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, 2 दफ़ा और भी पोर्टफोलियो यूनियन मिनिस्ट्री के ममता बनर्जी ने संभाली है। उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है वो आज के टाइम पे देश में एक अकेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं और ऐसी लीडर है जो कि मास सपोर्ट है, उनका ज़बरदस्त मास सपोर्ट है, और बंगाल में जहाँ जहाँ पे भी वोट होता है वो ममता बनर्जी के नाम पे ही जनता जो है उनको वोट देती है। और यहाँ तक कि आप देखें कि बीजेपी भी ममता बनर्जी से सीखती है। ममता बनर्जी का जो स्कीम है लक्खी भंडार स्कीम, इसको ही रीब्रांडिंग करके बीजेपी ने महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया लाडली बहन के नाम से, और उसका उन्हें भी फायदा होता। तो जब बीजेपी भी जब ममता बनर्जी से सीखती है। तौसीफ जी, जब इंडिया अलायंस की नींव रखी गई तभी पहले पायदान पर बहुत सारे नेता थे, उसमें एक थी ममता बनर्जी, उनके साथ तभी नीतीश कुमार भी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने पलटी खाई और वो मोदी जी के साथ गए, लेकिन उसी के कुछ दौरान पहले इंडिया अलायंस की जो कमान थी, लीडरशिप की कमान, वो खड़गे जी के पास गई। उसके बाद से जो नाम आना शुरू हुआ ममता बनर्जी का, अगर ममता बनर्जी के हाथों में इंडिया अलायंस की कमान नहीं आती तो ममता बनर्जी के पास कोई और प्लान है क्या? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक अकेली ममता बनर्जी की बात नहीं, तृणमूल की बात नहीं है,
इंडिया अलायंस में लगभग 2 दर्जन छोटी बड़ी पार्टियां हैं, और ममता बनर्जी के नाम को जब पेशकश की गई कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा शिवसेना से संजय राउत का समर्थन रहा, शरद पवार का समर्थन रहा, सुप्रिया सूले ने कहा, अभी लालू यादव ने भी कहा, तो दूसरे भी जो अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं उनका भी ये कहना है कि ममता बनर्जी जो है कमान को लीड करें, इंडिया अलायंस के जो है ग्रुप की जो है कैप्टन बने। और देखिए कांग्रेस को जो है अपना ईगो साइड में रखना होगा। आज अगर इंडिया टीम की अगर हम बात करें तो विराट कोहली कप्तान नहीं है, फिर भी वो एक बहुत अहम रोल निभाते हैं, प्लेयर बन करके वो खेलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो है कप्तान बने रहना होगा। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी ये चाहिए कि अपनी ईगो साइड में रखे, भले उनके पास ज्यादा एमपी सीट है, लेकिन अगर कप्तान इंडिया ग्रुप की ममता बनर्जी को बना दिया जाए तो बेशक आने वाले दिनों में बीजेपी को खदेड़ के रख देंगी ममता बनर्जी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बंगाल में लेफ्ट का उन्होंने सफाया किया। तौसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्ही या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, ज्याच्यामध्ये इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वावरून आता जे काही खल सुरू आहे त्याविषयी तुम्ही आपला वेळ दिलात, त्याबद्दल आपले आभार, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।